नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ जिले में श्रमिकों के हित लाभ योजना वितरण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 1300 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी दलों के भारत बंद को फ्लॉप शो बताया। मौर्य ने कहा कि देश में बनने वाला महागठबंधन चुनाव से पहले ही फेल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट के लागू होने से स्वर्ण भी खुश, वही लोग खुश नहीं है जो दलितों का शोषण करते थे। नगर के मड़िया मोहल्ले में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1235 श्रम लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ दे रही है। सरकार ने श्रमिकों के लिए भी कई अच्छी योजनाएं लाई है जिससे उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें आज मौके पर यहाँ पर कुल 1235 लाभार्थियों के बीच में 1,49,000 रुपए की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का हित लाभ प्रमाण पत्र लाभार्थियों के बीच में वितरित किया गया था। इसी प्रकार से सुबह 9 बजे से पंजीयन का कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का मैं देश का पहला श्रम मंत्री हूँ जो लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला जारी किया हूं, और 30 जिलों के एक एक लेबर अड्डे पर मैं अब तक पहुंच चुका हूं। ये अभियान लगातार जारी है। जहां संयोजन विभाग मंत्री होने के नाते मैं 55,000 नौजवानों को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया हूं, वहीं पर श्रम विभाग में तमाम कीर्तिमान स्थापित कर नई कल्याणकारी योजनाओं को लाकर श्रम विभाग को ऊंचाइयों पर भी पहुँचाने का काम किया हूँ। वही पेट्रोल और डीजल पर विपक्षी दलों के भारत बंद पर तंज कसा और कहा कि जब इनके जमाने में दाम बढ़ रहे थे तो यही लोग जो भारत बंद कर रहे हैं गूंगे और बहरे बन बैठे थे। उन्होंने विपक्ष के भारत बंद को फेल बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले ही महागठबंधन सूखे पत्ते में ही ढेर हो जाएगा। विरोधी पार्टियां, इनको अपना दामन झांक करके देखना चाहिए कि इनकी जब सरकारें थी तो उस समय भी पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा था। उस समय ये गूंगे बहरे बनकर के तमाशा देख रहे थे, आज सड़कों रूप उतर रहे हैं। लेकिन आज इनका भारत बंद का आह्वान बुरी तरह फेल है, क्योंकि मैं आजमगढ़ के मुख्य चौराहे पर लेबर विभाग का कार्यक्रम कर रहा हूँ और यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रमिक इकट्ठे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि कहीं भी कोई बंद का आह्वान इनका सफल नहीं हो पाया है। ये गठबंधन चुनाव के पहले ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इनका न कोई न्यूनतम कार्यक्रम है, न मुद्दों पर आधारित यह गठबंधन है, और जो मुद्दों पर आधारित गठबंधन नहीं होता उसका कोई भविष्य नहीं होता है। चुनाव के पहले ही सूखे पत्ते की तरह ये ढल जाएंगे, झर जाएंगे और ध्वस्त हो जाएंगे। वही SC ST एक्ट पर स्वर्ण संगठनों के प्रदर्शन और भाजपा से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वर्ण भाजपा से नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पुराना एक्ट है, विरोध प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं जो दलितों का शोषण करते थे। स्वर्ण भी आज इसका स्वागत कर रहा है। ऐसे लोग जो दलितों पर जुर्म जाति अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो उनकी बहन बेटियों की को गलत नजर से देखने में हमेशा अपनी बहादुरी मानते हैं, जो उनकी झोपड़ियों में आग लगाने में अपनी शान समझते हैं, केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा का पूरा श्रवण आज भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।